अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मुदस्सिर। सो आई एम मास्टर लाइफ कोच। आई डिड माय सर्टिफिकेशन इन हैबिट बेस्ड प्रोग्राम, और ये इसका प्रोग्राम का आगाज़ हमने पाकिस्तान में इस वजह से किया क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट से फिटनेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, मिस हैं, तो वो अपने आप को लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर पाते। दे हैव टू वर्क हार्ड। बहुत टफ होता है एक डाइट को भी फॉलो करना और सम टाइम एक लाइफस्टाइल को अपनाना। सो उसके लिए वी स्टार्टेड दिस हैबिट बेस्ड प्रोग्राम जिसमें हम क्लाइंट का बिहेवियर चेंज करते हैं, और थ्रू चेंजिंग योर बिहेवियर यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, योर फिटनेस, योर हेल्थ एंड योर न्यूट्रिशन। सो इसके अंदर हम अपने क्लाइंट्स की, उनकी लाइफ की, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ एंड उनकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। सो आज आई एम गोना डिस्कस 5 बेसिक स्ट्रेटजीज आपको, हाउ यू कैन लूज 5 to 10 kgs। यस, लेकिन नॉट इन अ वीक और टू, बट विदाउट फॉलोइंग एनी स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइजेस। आई एम गोना टेल यू 5 बेसिक स्ट्रेटजीज। इसको अगर आप फॉलो करें तो बिलीव मी, आपका 5 to 10 kgs कम हो सकता है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 months। ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट इट्स ऑल राइट। इससे सिर्फ वेट नहीं कम होगा, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, स्किन इंप्रूव होगी, आपकी एनर्जी लेवल बेहतर होगा और आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे। सो नंबर वन, इसको लिख लें ताकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे सर आप हमें डाइट प्लान फॉलो करना है, हमें वेट कम करने, क्योंकि वेट कम करना इज वन ऑफ द मेन हमारा एक फोकस होता है। उसके लिए वो कौन से बिहेवियर्स हैं वो आप एडअप करें। नंबर वन, सबसे पहला बिहेवियर जो आपने एडअप करना है वो ब्रेकफास्ट है, डेली ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग एक कंप्लेन करते हैं कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिलीव मी कि ब्रेकफास्ट आपको मैं बनाना सिखाता हूँ। जस्ट ऐड 3 to 5 फूड इन योर डेली ब्रेकफास्ट। सिर्फ चाय पी लेना एक ब्रेकफास्ट नहीं है, सिर्फ एक एप्पल खा लेना ब्रेकफास्ट नहीं है, या डेली एक टोस्ट खा के चले जाना ये ब्रेकफास्ट नहीं है। 5 चीज़ें आपने ब्रेकफास्ट के अंदर एडअप करनी है। इट विल बी वेरी सिंपल, वेरी ईजी। नंबर वन, टोस्ट, स्लाइस ब्रेड, होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, वाइट, जो भी आपको मिले, बिलीव मी जस्ट ऐड इट। नंबर टू, आप नट्स एडअप करें, 10 एलमंड्स, छिलके नहीं छीलना, उनको सोक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ऐड इट सिंपल। नंबर थ्री, डेली एक्टिविटी, कोई 30 to 40 minutes वॉक खाने से पहले, जस्ट ऐड इट। नंबर फोर, 7 to 8 और स्लीप, क्वालिटी स्लीप विद द क्वालिटी उसकी ड्यूरेशन। एंड नंबर 5, यू नीड पेशेंस, सब्र। इन सब स्ट्रेटजीज को फॉलो करें और उसके साथ थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे आपका वेट भी कम होगा, स्किन भी फ्रेश होगी, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बेसिक फंडामेंटल्स हैं। अगर आप ये नहीं फॉलो करेंगे तो बिलीव मी कि चाहे आप कोई भी डाइट प्लान या कोई स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो कर लें, लेकिन आपकी प्रोग्रेस मुश्किल हो जाएगी। सो दीज 5 स्ट्रेटजीज आपने डेली एडअप करनी। नंबर 1, अगेन ब्रेकफास्ट, डेली वॉक या एक्टिविटी। एक बड़ा मिथ आता है कि वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मुझे सर हमें समझ नहीं आती। देखो, जो आपको पसंद आता है, जो आपके लिए इजी है, जो आपके लिए सूटेबल है, और वीक के अंदर 3 to 5 days, नॉट मोर, आपको 6 days 7 days बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। 30 to 45 minutes एनी एक्टिविटी, इट कुड बी वॉक, इट वुड बी एक्सरसाइज, डांस क्लासेस, एरोबिक्स, योगा क्लासेस, या सिंपल कार्डियो, पार्क में जाके कर लें, घर पे जाके कर लें, मेक इट सिंपल। न्यूट्रिशन पढ़ने का मकसद, डाइट करने का मकसद, हेल्दी लाइफस्टाइल का मकसद आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना है, तंग करना नहीं है। तो हम इन्हीं सिंपल 5 स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए बिलीव मी आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी और आपका वेट भी कम होगा। थैंक यू। सो इफ यू नीड अपॉइंटमेंट तो काइंडली कॉन्टैक्ट थ्रू मरहम, ताकि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो सकें और आप विजिट कर सकें। थैंक यू।